दोस्तों नमस्कार, मैं हूं वारिस खान और हमारे खास कार्यक्रम शख्सियत में आप सभी का स्वागत है। हम आज आपकी मुलाकात मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के एक ऐसे शख्सियत से कराएंगे जिसने मध्य प्रदेश में पीएटी के एग्ज़ाम में पूरे मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान हासिल किया है। तो गोपाल जी नमस्कार। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आपके परिवार, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मेरा नाम गोपाल नागराज है और मैं खरगोन एमपी से बिलोंग करता हूँ। अभी आपने क्या उपलब्धि हासिल की है? अभी मेरी संपूर्ण मध्य प्रदेश में 12th में 92% के साथ फर्स्ट रैंक लगी है रिजर्व्ड कैटेगरी में। तो क्या इस उपलब्धि को हासिल करने के लिए आपने किसी कोचिंग संस्थान का सहारा लिया था या घर पर ही पढ़ाई की आपने? नहीं नहीं, मैंने सनराइज कोचिंग खरगोन से तैयारी करी थी, 12th की भी वहीं से करी थी और पीएटी एग्जाम की भी वहीं से करी थी तैयारी। सनराइज कोचिंग का आपको पता क्या चला कि सनराइज कोचिंग क्लास में आपको जाना है, वहां से पढ़ाई करना है आपको? जब मैं क्लास 11th में था तो सनराइज के एक टीचर वहाँ पर पढ़ाते थे और उनके जरिए ही मुझे पता चला कि पीएटी की जो तैयारी है वो खरगोन में भी होती है और बहुत अच्छी कोचिंग से करी मैंने तैयारी। कोचिंग संस्थान में क्या आपको ऐसा लगा कि कुछ ऐसा विशेष है या मतलब फैकल्टी अच्छी है या उसका श्रेय किसको देना चाहेंगे जो आपने इतना आज फर्स्ट रैंक हासिल की है, इसका श्रेय किसे देंगे आप? सबसे पहला श्रेय तो मैं अपने माता पिता को देना चाहूँगा और सेकंड पूरी सनराइज टीम और स्पेशली अमित राणे सर को देना चाहूँगा, क्योंकि वो वाली कोचिंग में हमेशा सर एक बात बोलते थे कि बेटा सनराइज एक कोचिंग नहीं, सनराइज एक परिवार है। और मैं हमेशा कंफ्यूजन में रहता था कि सनराइज एक परिवार कैसे हो सकता है। तो फिर सर ने बताया था कि यहाँ पर जो स्टूडेंट का सर जो है वो दुख में भी साथ देते हैं और सुख में भी साथ देते हैं, और ये बात रियलिटी है कि ऐसा होता है। आपकी रुचि अचानक से कृषि संकाय में कैसे आई? जब मैंने 10th के बाद सब्जेक्ट सिलेक्शन करने का टाइम आया तो जब मेरे को मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं था और बायो मेरे को लेना नहीं था, तो फिर मैंने सोचा कि एग्रीकल्चर एक ऐसा सब्जेक्ट है कि सभी चीज़ें खत्म हो सकती है बाकी एग्रीकल्चर कभी नहीं खत्म हो सकता, इसीलिए मैंने एग्रीकल्चर। सही कहा आपने, कृषि तो ये देश ही कृषि प्रधान देश है हमारा। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे जनरली हम देखते हैं कि बच्चे पढ़ाई के दौरान कुछ मस्ती करते हैं, कुछ घूमते हैं, कोई बहुत ज़्यादा ही पढ़ाई करते हैं, तो आपका अनुभव कैसा रहा, कैसे आई फर्स्ट रैंक आपकी, क्या विशेष एफर्ट लगाया पढ़ाई करने में आपने? देखो, विशेष एफर्ट तो ज़्यादा कुछ नहीं लगाया, बस मेरा डेली रूटीन में ये था कि मैं सुबह जल्दी खड़ा हो जाता था और डेली रिविज़न वगैरह करता था, अब चीज़ें करी। मतलब मेरा ऐसा मानना है कि पढ़ाई करने के लिए कुछ बच्चों को हमने देखा है कि परीक्षा का एक महीना पहले वो सब काम छोड़ देते हैं, खाना पीना, दिमाग के टेंशन, परिवार से दूर, दोस्तों से दूर, हर किसी से दूर, कोचिंग में भी जाते हैं तो बिल्कुल दिमाग पर ठूस ठूस के बात भरी जाती है। तो क्या आपके कोचिंग क्लास में भी एक महीने पहले कुछ विशेष तैयारी कराई जाती है? हाँ बिल्कुल कराई जाती है। दरअसल क्या होता है कि जो सनराइज कोचिंग है वहाँ पे एक बात बहुत अच्छी है कि लास्ट दिन तक, एग्ज़ाम के एक दिन पहले तक कोचिंग पढ़ाते हैं और जो सर वगैरह है वो मोटिवेशन वगैरह भी देते हैं और बताते हैं कि क्या करना चाहिए बेटा तुमको और क्या नहीं करना चाहिए, क्या क्या गलतियाँ नहीं करना चाहिए, एग्ज़ाम के दौरान सारी चीज़ें समझाते हैं एक दिन पहले। सबसे ज़्यादा कोचिंग संस्थान में किस सर ने आपको सबसे सहयोग किया ज़्यादा? देखो ऐसा तो सभी सर ने सहयोग करा, बट जो अमित राणे सर है उनका मैं स्पेशल थैंक उनको देना चाहूँगा, क्योंकि जब भी ऐसा अंदर से ऐसा डीमोटिवेट टाइप लगता था तो सर से कंसल्ट करके एकदम ऐसा लगता था कि नहीं यार अब तो करना ही है अपन को। क्या मानेंगे आपके आदर्श, किसे मानेंगे आप? आदर्श तो मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को मानता हूँ, क्योंकि जब भी उनका जब जीवन परिचय पढ़ता हूँ तो ऐसा अंदर से लगता है कि यार इस व्यक्ति ने जब इतने संघर्ष करने के दौरान भी स्टडी को इतना महत्व दिया है तो फिर अपन क्यों नहीं कर सकते। अब मुझे ऐसा लगता है कि आप पढ़ाई के क्षेत्र में तो आगे जाएंगे, आपका उद्देश्य क्या है जीवन में, कि मतलब आप क्या क्या बनना चाहते हैं आप? उद्देश्य तो मैं एक कृषि वैज्ञानिक बनना चाहूँगा, क्योंकि वर्तमान में जितना परेशान एक किसान है उतना शायद ही कोई होगा, और मैं कृषि के क्षेत्र में ऐसा कुछ करना चाहता हूँ जिससे कि सभी किसान भाइयों को लाभ प्राप्त हो। गोपाल जी, अब आप मुझे ये बताएं कि आपने जो फर्स्ट रैंक हासिल की है, क्या आपको ऐसा लगता है कि इसमें कोचिंग क्लास का या कोचिंग क्लास या आप नहीं जाते तो भी रैंक हासिल कर लेते हैं, या कोचिंग क्लास जाने के बाद ही आपको ये रैंक मिली, क्या जीवन में परिवर्तन लाया कोचिंग का? सबको कोचिंग का बहुत ज़्यादा रोल रहा, क्योंकि आज मैं जो कुछ भी हूँ, मैंने जो भी उपलब्धि प्राप्त करी है वो सनराइज कोचिंग की वजह से ही करी है। क्योंकि जब मैं कोचिंग गया था, जब मैंने सनराइज कोचिंग स्टार्ट करी थी, तो
उससे ये चेंजेस हुआ मेरी लाइफ में कि एक तो मैं डिसिप्लिन में रहने लगा और एक तो वेल फोकस्ड हो गया और एकदम पूरी प्रॉपर प्लानिंग के साथ पढ़ाई वगैरह करी। तो नागराज जी मुझे बताएं कि एक सवाल हमेशा हर व्यक्ति के जहन में रहता है कि मैं पहले ट्वेल्थ करूं या पहले मैं पीएचडी करूं, चूँकि ये विषय कॉलेज जाने का विषय ट्वेल्थ के बाद का है, पर आपने एक बड़ा अचीवमेंट किया है कि आपने ट्वेल्थ में 92% और पीएचडी भी आपने पास कर लिया है, तो ये कैसे मन में विचार आया आपके एकदम से? देखो जब मैं ट्वेल्थ की मैंने कोचिंग स्टार्ट करी थी तो सर ने मुझसे एक ही बात बोली थी कि बेटा तू ट्वेल्थ तो कर रहा है, बाकी तेरे पास एक और ऑप्शन है कि तू ट्वेल्थ प्लस पीएचडी भी कर सकता है। तो मैंने सोचा सर हो जाएगा क्या वो, तो बोले बिल्कुल हो जाएगा। तो फिर सर से मेरी बातचीत हुई थी और फिर सर ने बोला था कि बेटा जो पीएटी का स्टडी मटेरियल रहता है वो 90% ट्वेल्थ का भी रहता है। तो उसी दिन से मैंने क्या करा था कि पीएटी पे इतना फोकस करा था कि ट्वेल्थ की जो एग्ज़ाम थी उसके एक महीने पहले पूरा अच्छे से रिवीजन करा था और पूरा का पूरा वही था ट्वेल्थ की एग्ज़ाम में, और मेरी ट्वेल्थ में 92% बने थे और इधर पीएटी में भी फर्स्ट रैंक लगी है। तो कुछ विशेष पढ़ाई के अंदर ध्यान देना पड़ता है या ट्वेल्थ की पढ़ाई और इसकी पढ़ाई दोनों से पढ़ाई में बराबर समानांतर? अब देखो ऐसा रहता है कि स्टार्टिंग में तो ट्वेल्थ में ज़्यादा वो बर्डन नहीं रहता है, तो स्टार्टिंग से अगर 2-3 चैप्टर रहते हैं तो वो पढ़ा जाते हैं, लेकिन एक टाइम ऐसा भी आता है कि ट्वेल्थ का कोर्स पूरा कम्प्लीट हो जाता है और इधर पीएटी के कोर्स भी चलता रहता है। तो मेरी लाइफ में भी ऐसा आया था, तो मैंने सर से बातचीत करी थी तो सर ने बोला था कि बेटा देख पीएटी पे तू ज़्यादा फोकस कर, ट्वेल्थ तो ऐसे ही निकल जाएगी। तो मैंने सर की बात मानी और पीएटी पे अच्छा सा फोकस करा और ट्वेल्थ में तो मैंने इंग्लिश हिंदी एक महीने पहले स्टार्ट करी थी और इंग्लिश हिंदी अच्छे से पढ़ी थी, बाकी तो सब पीएटी का ही स्टडी मटेरियल था। आपके कोचिंग में अमित राणा सर की आप बार बार तारीफ कर रहे हो, तो क्या अमित राणा सर वाकई में प्रति स्टूडेंट एक एक बच्चों को अलग लेकर इतना बिलीव कर पाते हैं, इतने समय दे पाते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल दे पाते हैं, क्योंकि क्या रहता है कि ऐसा रहता है कि मान लो 100 बच्चे की क्लास है तो ऐसा नहीं रहता कि एक बच्चे का ध्यान इधर उधर गया तो सर को पता नहीं चलता, सर का सबसे पहले ध्यान उसी बच्चे पे जाता है जिसका ध्यान इधर उधर रहता है। तो अगर उसका इधर उधर ध्यान रहता है तो सर उसको टोकते हैं और पूरा उसका ध्यान बोर्ड की तरफ लाते हैं और अच्छे से मतलब पढ़ाते हैं। क्या मंथली टेस्ट वगैरह होते हैं उसमें सर आपका देखते हैं आपके मतलब दोबारा से रिवीजन कराते हैं, मतलब कि रिवीजन हुआ आपका हुआ कि नहीं हुआ, आपने रात में जो पढ़ाई के लिए कल जो आपको नोट्स दिए थे उसको पढ़ाई करके लाए कि नहीं लाए, टाइम टू टाइम देखते हैं पूरा सर उसमें? हाँ हाँ पूरा देखते हैं, और मेन बात ये अच्छी है कि पूरे मंथली या वीकली टेस्ट होते हैं तो इसमें हमको क्या पता चलता है कि हमारी रैंक पता चलती है और ऐसा पता चलता है कि हम साथ के बच्चों में कितना कॉम्पिटिट कर पाते हैं ऐसा, तो उसमें मार्क्स वगैरह भी सर वहीं पे बताते हैं, सर रैंक का भी निकालते हैं और उनको इनाम वगैरह भी देते हैं। अच्छा मतलब आपके कॉलेज के अंदर आपके कोचिंग के अंदर क्या हमेशा तो कुछ ना कुछ एक्टिविटी होती रहती है, मतलब ऐसा कोई कभी कल्चरल एक्टिविटी हो गई, कभी सांस्कृतिक कार्यक्रम हो गए, कभी बच्चों की पढ़ाई को लेकर विशेष हो गया, ऐसा कुछ चलता रहता प्रोग्राम? हाँ देखो ऐसे कार्यक्रम तो बहुत सारे होते हैं और मेन चीज़ ऐसी रहती है इसमें कि दूसरी कोचिंग वाले ये नहीं कर पाते जो ये सनराइज कोचिंग करती है कि जो सम्मान समारोह रहता है वो हर वर्ष सनराइज डे होता है। अच्छा। तो सनराइज डे में क्या रहता है कि अपने माता पिता के साथ जो भी सिलेक्टेड स्टूडेंट रहते हैं उनको बुलाते हैं, उनका सम्मान करते हैं। सिलेक्टेड मतलब पीएटी एग्जाम जो रहती है उसमें सिलेक्टेड जो स्टूडेंट रहते हैं उसमें बुलाते हैं और माता पिता के साथ सम्मान देते हैं उनको, तो ये बात बहुत बढ़िया है उनमें। तो अब आपके भविष्य में क्या उम्मीदें हैं आपकी, क्या नया प्लान करना चाह रहे हैं भविष्य को लेकर भी आप? देखो फिलहाल तो अभी मैंने ये जो पीएटी एग्ज़ाम पास की इसके बाद 4 साल का बीएससी एजी करूँगा और उसके आगे देखो मैंने पहले भी बताया था कि मैं एक साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ और कृषि क्षेत्र में कुछ करना चाहता हूँ तो वही करूँगा। तो ठीक है, ये हमारे साथ में थे नागराज जी जिन्होंने मध्य प्रदेश के अंदर एक अच्छी उपलब्धि हासिल की है। हम ऐसी शख्सियतों के साथ में आपको हमेशा रूबरू कराते रहेंगे। दीजिए इजाजत, नमस्कार।